नमस्कार, वीकली एग्रीकल्चर कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफी शानदार रहा, एक तरह से वॉलिटिलिटी काफी बनी हुई रही। नो डाउट कल के सेशन में हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में जो गिरावट थी उसी की चपेट में हमने कमोडिटी मार्केट को भी आते हुए देखा और रिजल्टेंट हमने ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी में एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए देखी। पूरे वीक की बात करें तो सोयाबीन आउट परफॉर्मिंग रहा, जहां पे हमने सोयाबीन में 10 से 10.5% की तेजी बनते हुए देखी। वहीं गवार गम सबसे ज्यादा टूटता हुआ कमोडिटी था, जिसमें हमने 10.5% की गिरावट आती हुई देखी। सोयाबीन में अभी भी हमें लगता है कि विंटर डिमांड के चलते पॉलिट्री इंडस्ट्री से मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड, तेल के भाव में तेजी और अराइवल के ड्रॉप के चलते ये तेजी बनी हुई है। कल की गिरावट के बाद हमें लगता है कि प्राइजेस अगर 6500 के करीब मिलता है तो लेके चलिए ओवरऑल 7000 से 7150 का लेवल अगले हफ्ते तक हम सोयाबीन में देख पाएंगे। कैस्टर एज कम्पेयर टू बाकी कमोडिटी स्टेबल टू पॉजिटिव रहा। कहीं ना कहीं अराइवल प्रेशर अभी तो है नहीं, बट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है। टेक्निकली 6400 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, पिछले हफ्ते में 2.5% की तेजी के साथ 6530 पे बंद हुआ, तो जब तक प्राइस 6400 के ऊपर है लेके चलिए 6850 के टारगेट के लिए। टेक्निकली मार्केट शॉर्ट कवरिंग में है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तेल की बात करें तो हमने सीपीओ और रिफाइन दोनों में ही गिरावट आती हुई देखी है, जहां रिफाइन में 1% की गिरावट तो सीपीओ में 3% की गिरावट आती हुई देखी है। इंटरनेशनल में अभी भी लेबर कंसर्न बना हुआ है, कोरोना का कंसर्न की वजह से हमने देखा कि डिमांड एम्पर कर सकती है बट सप्लाई भी एम्पर कर सकती है, जिसके चलते हमें लगता है कि मंगलवार बुधवार थोड़ा बहुत पुलबैक मिल सकता है। 1080-90 के रेंज में सीपीओ ले, ऊपर में 1140 तक का लेवल देख सकते हैं। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल में भी पिछली बार की तरह 1200-1205 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है, उस पुलबैक पे लेके चलिए जो 1240 से 1250 का लेवल दिखा दे। मसालों का हाल अगर हम बात करें तो हल्दी के अंदर बड़ी तेजी आई, हमने साउथ में जो डैमेजेस रिपोर्ट हुए उसके बाद करीबन 4.5% की तेजी के साथ इनफैक्ट 8100 का लेवल भी हल्दी ब्रीच करते हुए दिखी। बट हायर लेवल पे हम जानते हैं कि कैरियर स्टॉक अच्छा है, सोइंग एरिया अच्छा है। डिस्पाइट ऑफ डैमेजेस हमारे पास क्रॉप साइज अच्छी होने की वजह से प्राइस में फिर से बिकवाली बढ़ी और प्राइजेस 7580 के करीब क्लोज हुआ। आने वाले हफ्ते में मार्केट एक दायरे में रहेगा, 7400 के करीब मिलने पे लेके चलिए, 7650 का लेवल तोड़ने पे 7850 का लेवल दिखा देगा। जीरे के अंदर बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दे रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 4.5% की गिरावट मार्केट में बनते हुए दिखाई दी। जीरे के अंदर हमने देखा 16600 का लेवल छूने के बाद 1000 रुपए की मोटा मोटी गिरावट आ चुकी है, 15400 के करीब फिर से बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म या हम 2022 की बात करें तो जीरा और धनिया काफी बड़ी अट्रैक्टिव कमोडिटी रहेगी। वहीं धनिया की अगर बात करें तो 1.5% की तेजी इस वक्त भी दिखा रही है, हमने 9100 का हाई लगते हुए देखा, टेक्निकल पुल बैक है जो 8400-8500 का लेवल दिखने पे हम फिर से बाइंग कर सकते हैं। जीरा और धनिया 2022 के लिए टॉप कमोडिटी रहेगी। गवार सीड गवार गम में हमने पहले भी कहा था कि तेजी का माहौल लग नहीं रहा है, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि प्राइजेस 5% गवार सीड और 10% गवार गम टूटा है। एज ऑफ नाउ भी हमें लगता है टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से प्राइजेस कोशिश करेगा एक बाउंस करने की, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 5600-5500 तक के लेवल गवार सीड में और गवार गम की बात करें तो यहाँ पे भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस में 9600 से लेकर 10000 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो एज ऑफ नाउ गवार कॉम्प्लेक्स से दूरियां बना के रखिए, बाउंस आ सकता है अगले हफ्ते बट उस बाउंस में बिकवाली करके ही चलनी चाहिए। मेंथा ऑयल रेंज बाउंड है बट ट्रेंड पॉजिटिव है, 945 का लेवल होल्ड करने पे हम 956 तक का लेवल देखेंगे। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी मिला जुला ट्रेड था, कॉटन एक करेक्शन ड्यू है तो कॉटन में हमें लगता है कि प्राइजेस फ्रेश सेलिंग है जो 30200 तक के भी लेवल दिखा सकती है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा है करेक्शन आना चालू हो गया। वहीं डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी बताई जाने के चलते और सप्लाई शॉर्ट की वजह से हाजिर मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है, उसके चलते 10% की तेजी हमने कॉटन सीड ऑयल केक में देखी है। हमने हमारे दिवाली पिक में भी कहा है कि कॉटन सीड ऑयल केक 4000 तक जाने के लिए तैयार है, अगले हफ्ते थोड़ा भी पुलबैक मिले 2600 के करीब तो लेके चलिए, 2750 का लेवल तोड़ने पे 2880 तक का अगला पड़ाव रहेगा। कपास के अंदर भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल पूरे एग्री पैक के अंदर जो बाकी कमोडिटीज में गिरावट है उसका एक नेगेटिव असर थोड़ा पड़ सकता है, बट कहीं ना कहीं मसाले, जीरा, धनिया, हल्दी ये सपोर्ट रहेगा, सोयाबीन अच्छा है, कैस्टर अच्छा है और कॉटन सीड ऑयल के इन कमोडिटी में बाइंग करके चला जा सकता है। धन्यवाद।